हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफएसआई कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में लिए हैं, या तो ये पहले आ चुके हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं ग्रुप डी में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्लीज़ सीरियसली से पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया है, 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए तो हानि प्रतिशत बताओ। कभी यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि आपका लाभ प्रतिशत पूछ लिया जाता है, और कभी हानि प्रतिशत पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोला 4 रुपये में 3 की दर से, यानी कि 4 रुपये के 3 नींबू खरीदे, आपको ये सोच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ लिखनी है आपको रुपीज और एक तरफ लिखनी है क्वांटिटी, ठीक है। तो 4 के 3 खरीदे भाई, 4 के 3 खरीद लिए, और बेचे कितने के, 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो 3 में 4 बेच दिए, कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी हमने बना ली, ठीक है। यानी कि एक तरफ आपने लिखे रुपीज वाली क्वांटिटी, एक बार तीन, एक बार चार आपने ये क्वांटिटी वाली, बिल्कुल डिट्टो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, यानी कि इस 3 की 3 में कर देंगे, 4 की 4 में कर देंगे, तो कितना आएगा 9 और 16। अब बस दो बात सुनिएगा मेरी यहाँ पे ध्यान से, ये ट्रिक है आपकी, कि अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आती है तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है। बड़ी हो तो लॉस होगा, अगर रुपीज वाली साइड बड़ी आ जाए तो आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, इतनी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये तो वैसे भी क्वेश्चन में बता दिया, अगर नहीं बताया होता तो हम ये पता लगा लेते कि इसमें लॉस हुआ है उसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 7। अब लॉस किस पे निकलता है, लॉस आपका सीपी पे निकलता है और प्रॉफिट भी आपका सीपी पे निकलता है। अब इनमें से सीपी कौन सी है ये निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये इस चीज की भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी लॉस होगा तो नीचे हमेशा बड़े वाली वैल्यू, इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो नीचे छोटे वाली वैल्यू। तो इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटी वाली साइड बड़ी तो लॉस, और प्रॉफिट वाली साइड यानी कि रुपीज वाली साइड तो बड़ी तो आपका प्रॉफिट, और अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो नीचे आपकी बड़े वाली संख्या, इन दोनों में से अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे छोटे वाली संख्या, ठीक है। तो 7/16 गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि यहां पे हमें निकालनी है परसेंटेज की, कितने परसेंट का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसको 2 से कट करेंगे 8 टाइम जाएगा, करेंगे 2 से 50 टाइम, फिर 2 से करेंगे 25 टाइम, और 2 से कट करेंगे 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 7 और 25 की मल्टीप्लाई होगी, 4 से डिवाइड होगा, तो कितना होगा 175/4, और 175 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 43, कंप्लीट 3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट यानी कि लॉस हुआ है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप जरूर करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का 1/9 भाग है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है, किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत यहाँ पे विक्रय मूल्य का 1/9 है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 360/360 रुपये में बेची जा रही है। अब इसका 1/9 भाग आपका हानि है, ठीक है। तो लॉस हम निकालेंगे 360 का 1/9, तो कितना आ जाएगा आपके 40। तो हमें पता चल गया कि सेलिंग हमने यानी कि जो हमने 360 रुपये में चीज़ बेची थी उसे पे हमें 40 रुपये का लॉस हुआ है। अब मुझे ये बताइए, हमारा सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमारी लागत क्या होगी, हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, जितने में हमने उस चीज़ को खरीदा होगा वो हमारा होगा। अगर मैं इस 360 में 40 को प्लस कर दूँ ना, तो हमारी सीपी निकल के आ जाएगी 400। तो हमें सीपी भी पता चल गया, हमें लॉस भी पता चल गया, निकालना क्या, लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत निकालनी है ना, तो हानि पता चल गई। और हानि किस पे निकलेगी, आपकी हानि हो चाहे आपका लाभ हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा सीपी पे निकलता है। तो 40/400 हो जाएगा, और गुणा 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो गुणा आपको 100 से करना होता है। ये कितनी बार चला जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये चला जाएगा 10 बार, तो 10% का आपको लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अभी, हानि से, हानि और लाभ से आपके, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, बताते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ आपको, हर एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दोस्तों देखिए एक कल ही देखने को मिला है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ मिक्सचर एलिगेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपीज प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। अब मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या बोलेगा कि इस इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो जाए, तो इसका मतलब इसमें लाभ इंक्लूड कर रखा होगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो उसमें लाभ वाली जो वैल्यू होती है ना उसको नहीं लेते हैं, जो मिश्रण वैल्यू होती है ना बीच में रखते हैं। देखिए मिक्सचर एलिगेशन का पहले थोड़ा सा पॉइंट जान लीजिए, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को या तो मिलाया जाए या दो चीज़ों का एवरेज होता है या मीन वैल्यू होती है, तो आप उनका क्या करते हैं, एक को मतलब फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को लिखेंगे, और जो उनका मीन वैल्यू होगा, एवरेज होगा, मिश्रण होगा, उसको हम बीच में रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो बीच में रखी जाएगी वो वैल्यू एक से तो बड़ी होगी, ठीक है, और एक से छोटी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर वो दोनों से बड़ी है तो तब भी नहीं आप मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं, अगर दोनों से छोटी है तब भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 68.20, ये 68.20 यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि इसमें 10% का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो ये सबसे पहले 10% का प्रॉफिट इसमें से निकालिए, उसके बाद आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट वाली वैल्यू होगी तो वो प्रॉफिट वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है। 68.20 लिखा है, इसमें क्या है 10% का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, अगर किसी चीज़ में 10% का प्रॉफिट इंक्लूड है इसका मतलब वो कितने की होगी, 100+10 यानी कि 110% की वैल्यू वो हो गई। तो 68.20 जो है आपका 110% की वैल्यू, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 62, तो आपको यहाँ पे 62 रखना है, 68.20 नहीं रखना है, ठीक है। तो 62 रख करके निकाल लीजिए, बस इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, और इसमें इसको माइनस करेंगे 3 आएगा, तो ये 3:2 का रेशो आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर सकते थे, 68.20 रख करके इसको सोल्व कर सकते थे, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 36% हो जाए। अब मुझे ये बताइए टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 40 लीटर है, इसमें से बताया गया है कि 20% पानी मिला हुआ है, इसका मतलब अगर इसमें 20% पानी मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, तो बाकी का 80% क्या होगा, 80% मिल्क होगा। भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर 20% इसमें वाटर है तो 80% मिल्क होगा। तो यहाँ पे हम इनका 20 और 80 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 40 में देखें कितने लीटर मिल्क है और कितने लीटर वाटर है, तो 20% इसका निकाला हमने कितना है 8, तो इसका मतलब इसमें 8 लीटर तो है वाटर। अगर इसमें 8 लीटर वाटर है तो बचा हुआ 32 लीटर क्या होगा, 32 लीटर आपका इसमें मिल्क हो जाएगा। तो आपको पता चल गया 40 लीटर में 8 लीटर तो वाटर है आपका, पानी है, और आपका 32 लीटर इसमें मिल्क है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कितने लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 36% हो जाए। तो आपको क्या करना है भाई, 8 लीटर पता है आपको कि इसमें वाटर है, इसमें कितना और मिलाया जाए, तो आपने x मिला दिया, क्या मिला दिया, x मिला दिया, और अपॉन में 32 वैसा का वैसे रखना है क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, पानी की मात्रा 36% हो जाए, तो 36% के इक्वल हो गया, अगर 8 में हम x प्लस एक्स कर दे तो ये 36% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 36% हो जाएगा वोटर, तो बचा हुआ फिर मिल्क कितना बचेगा आपका, 64%, तो 64% आपका मिल्क हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी इतनी चीज़ें अभी तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4 से कट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू छोटी हो जाए और वो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी आसानी पड़े। तो ये 4 से कट जाएगा 9 बार, और ये 4 से कट जाएगा 16 बार, इनकी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैंने करी दिया, वैसे ये दोबारा लिख दिया है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 की 8 में करेंगे 128 प्लस 16x, और 9 की 32 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 288। तो यहाँ पे x वालों को तो एक साइड में रख लेंगे, 16x हो जाएगा, और ये इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 बचेगा, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 160 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 लीटर, यानी कि अगर जो वाटर है 8 लीटर, उसमें 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए, 10 लीटर और वाटर मिला दिया जाए, तो उसमें वाटर की जो परसेंटेज होगी वो 36% हो जाएगी, तो फिर मिल्क की कितनी बचेगी, 64%, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, देखने को क्या मिलता है कि देखने को आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, मैं सारे के सारे क्वेश्चन वही उठाए हैं जो आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम सारे कराने वाला हूँ। अभी पूरी वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए, आपका जो बोट एंड स्टीम चैप्टर है उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो थर्ड शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। डेली मतलब थर्ड शिफ्ट में तो आते हैं, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो इतना कोई सुनने को नहीं मिलता, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, बट थर्ड शिफ्ट में जरूर एक से दो क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोट एंड स्टीम का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुँचता है, तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। पहले एक स्ट्रीमर है, एक तैराकी करने वाला है, उसने एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में, यानी कि ए बंदरगाह और बी बंदरगाह, ये दो बंदरगाह है, और इसमें पानी की जो धारा है ना, जो मैंने छोटे छोटे से टिक लगा रखे हैं, इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में पानी का बहाव है। यहाँ पे बोला गया है कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुँचता है। अब ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, 4 घंटे में पहुँचता है धारा की दिशा में, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। जब कोई भी बोट हो, कुछ भी मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट हो, और वो धारा की दिशा में चला जाता है, जिस डायरेक्शन में धारा जाती है उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पे फिर दूसरी लाइन में क्या बोला गया है, तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है, यानी कि इतनी ही दूरी है, ये डिस्टेंस कम नहीं है, ये उतनी हुई है, और अब इसी डिस्टेंस को वापस आया, तो धारा तो इस डायरेक्शन की मैंने आपको बताई दी है, वो अब धारा को चीरता हुआ आया, उल्टा आया है, तो इसका मतलब उसे 5 घंटे लगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। धारा के दूसरी डायरेक्शन में जाएगा अप, और उसी डायरेक्शन में जाएगा तो डाउन और अप स्ट्रीम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे जो पानी की चाल है ना, जो धारा की चाल है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई है, ठीक है, और पूछी गई है डिस्टेंस। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो धारा की चाल होती है ना, हम उसे वाई बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो हम उसे वाई बोलते हैं, धारा की चाल को। तो वाई आपको दे रखा, वाई को हम निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा समझिए। जब हम वाई निकालते हैं ना, जब हमें वाई नहीं दिया होता क्वेश्चन में, निकालते कैसे, हम निकालते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये फॉर्मूला है आपका वाई निकालने का, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वाई यानी कि समय दे रखा है, सॉरी मतलब स्पीड दे रखी है वाई की, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब डी निकालते हैं, डी की चाल निकालते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम की चाल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो दूरी होती है, मान लीजिए हमने एक्स दूरी है, ये उस दूरी को हम भाग कर देते हैं उसकी चाल से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो हम क्या करेंगे, एक्स को डिवाइड कर देंगे 4 से। फिर माइनस अप स्ट्रीम को कैसे निकालते हैं, तो x यानी कि जो भी दूरी है, ये हमने मान लिया x, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, और इन सभी को डिवाइड कर देंगे 2 से जब हम इसको निकालते हैं। तो हमने एक इक्वेशन बना ली इस टाइप की, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, ये आपको दे ही रखा था क्वेश्चन में, ये आपका फॉर्मूले में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 एलसीएम होगा, यहाँ पे कितना होगा, 5x और 4x, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x, और नीचे कितना बचेगा, ये आपका 20, इसलिए ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो x अपॉन में 40, और इधर कितना बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 40 की 2 में करेंगे तो 80, यानी कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो x हमने माना था ना कि x की वैल्यू निकालनी थी हमें, ये वाली डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम में, ठीक है। डिस्टेंस निकालने को दे दिया जाता है, कभी टाइम निकालने के लिए दे दिया जाता है, कभी आपको स्ट्रीम की चाल निकालने के लिए दे दी जाती है, और कभी आपको बोट की चाल निकालने के लिए दे दी जाती है, ठीक है। बोट की चाल देख लीजिए, इसका अगर धारा की चाल निकालनी है, पानी की चाल निकालनी है तो ये है, अगर आपको बोट की चाल निकालनी है तो उसको हम बोलते हैं एक्स, ठीक है, और उसका निकालते कैसे, डी प्लस यू अपॉन में 2। बस ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, कब क्या पता इनसे ही आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3 और 11 है, इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एज से इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कई बार। तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी और माता, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है आपके एग्जाम में, लक्ष्मी और माता मैंने लिख लिया, इनका रेशो दे रखा है 3 और 11, ठीक है, 3 और 11, और इनकी आयु का जो अंतर है वो 24 वर्ष दे रखा है।
अब इनकी आयु का अंतर जो है 24 वर्ष है और जो रेशो में दिख रहा है वो केवल मुझे 8 दिख रहा है। भाई रेशो में कितना है, सिर्फ 8 वर्ष का दिख रहा है, मतलब 8 दिख रहा है। तो इसका मतलब जो अंतर है इनके 8, ये 24 वर्ष के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये 24 वर्ष के इक्वल है तो आप ये बताइए मुझे एक वर्ष के इक्वल कितना, यानी कि एक रेशो के इक्वल कितना हो जाएगा। 8 रेशो के इक्वल तो 24 है, एक रेशो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 8 दिया 24 होता है ना, 8 से कट कर देंगे इसको 3 बार, तो 1 के बराबर आपका 3 हो गया। अब यहाँ से हम किसी की भी आयु निकाल सकते हैं, एक रेशो के इक्वल वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम लक्ष्मी में अगर लक्ष्मी की निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो ये आपका आ जाएगा लक्ष्मी की आयु। 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो ये आ जाएगी माता की आयु। ठीक है, पूछा 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया कि 3 और 3 में 3 की मल्टीप्लाई करी और 11 में करी, तो इनकी माता की और इसकी लक्ष्मी की आयु आ गई। अब इसमें क्या बोला गया है, ये आयु जो आई है आपकी 9 और 33, इसमें 3 प्लस कर देंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद की आयु पूछी है ना, तो कितना हो गया 12 और 36, ये आपकी आयु आ गई। बट आयु नहीं पूछी है, रेशो पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 12 से एक बार जाएगा 12 कम 12 और 12 तीन 36, तो आपका 1:3 का रेशो बन जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ अभी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लग रहे होंगे ईजी, जब आपको यही लैंग्वेज चेंज करके दे दिया जाता है ना, कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है, इतना हार्ड नहीं क्वेश्चन होगा कि आपको बिल्कुल होगा ही नहीं। एक दो क्वेश्चन तो आ रहे हैं हार्ड, जैसे मुझे पता चल रहा है क्वेश्चंस कुछ बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। पेपर आपका कई क्वेश्चन मतलब इतने हाई लेवल के आ रहे हैं जो आपके एसएससी सीजीएल तक लेवल के आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन आपको करने नहीं है, उनको छोड़ना है, जितने आते होंगे वो करने हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे गलती करके आ रहे हैं जो बाद में पछताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका टाइम एंड वर्क से। यहाँ पे बोला जा रहा है एक किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है। बी इस खेत की 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, अभी भी करा देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में करता है। ठीक है, अगर ये 2/5 भाग की कटाई 6 दिन में करता है, अगर मैं बोलूँ इससे पूरा का पूरा काम कराना हो, जितना भी टोटल वर्क हो वो कितने दिन में करेगा वो निकाल लीजिए। अब मुझे ये बताइए 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, अगर टोटल निकालना पड़े तब क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस 5/2 कर देना है, 2/5 का 5/2 कर देना है। 2/5 लिखा है ना, इसको 5/2 करिए, मल्टीप्लाई 6 से करिए, तो ये 15 दिन में टोटल काम कर देगा। ठीक है, 2 से 3 जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 15 दिन में ये पूरा वर्क कर देगा। भाई 2/5 भाग तो कर रहा है 6 दिन में, अगर इससे टोटल वर्क करा जाए ना तो ये 15 दिन में कर देगा। निकाला कैसे मैंने, 2/5 की जगह बस 5/2 करके मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। बिल्कुल बी का भी वैसे निकालना है, बी का क्या करता है 1/3 भाग 10 दिन में करता है, अगर इससे टोटल वर्क कराया जाए तो कितने दिन में करेगा, तो 1/3 को 3/1 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो इससे टोटल वर्क कराया जाए तो 15 दिन में, इससे टोटल वर्क कराया जाए तो 30 दिन में, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो अगर इनसे 4/5 भाग कराया जाए उस काम का तो कितने दिन में करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 क्या हो गया, टोटल कार्य आ गया, ये वाला जो वर्क है ना टोटल वर्क है। ठीक है, इस टोटल वर्क को मैं 15 से डिवाइड करूँ तो 2 यूनिट आएगा, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, 30 को 30 से डिवाइड कर दूँ तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, अब बोला है इसका 4/5 भाग फसल की कटाई करने में कितना समय लेंगे दोनों मिलकर, तो 30 का 4/5 भाग निकाल लीजिए क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास ये है ना, तो इसका 4/5 भाग निकालेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, 6 × 24 24 यूनिट वर्क आपका टोटल आ जाएगा। इस 24 यूनिट को कराना किससे, दोनों से, दोनों एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 24 को 3 से भाग कर देंगे, 8 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने के। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आ रहा है अल्टरनेटिव डेज पे, यानी कि बारी बारी वर्क पे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, वर्क का जो ये अल्टरनेटिव डेज वाला क्वेश्चन है ये मैंने वैसे रिपीट कर दिया है आपका, ये पहले भी करा चुका हूँ बट एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा।
यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन में बोला गया सबसे पहले वो लिख लेते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, ठीक है। ए 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा 36, और 36 ये क्या हो जाएगा टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। अगर मैं 36 को 12 से भाग कर दूँ तो ए 12 3 आएगा, तो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, और 36 को 18 से भाग कर दूँ 2 आएगा, इसका मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, ठीक है भाई। और दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब कुछ नॉर्मल करते हैं हम। अब जो नेक्स्ट लाइन से पढ़ेंगे ना, अब क्वेश्चन चेंज होना स्टार्ट होगा। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ये बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलिए एक बार, फिर बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। बारी बारी यानी कि ए पहले करेगा, उस दिन बी काम नहीं करेगा, बस ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर ए नहीं करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी नहीं करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए नहीं करेगा, इस तरीके से वर्क कराते जाएंगे। ये पूछा कि 36 यूनिट वर्क होने में कितना समय लगेगा, टोटल कार्य होने में कितना समय लगेगा। आप मुझे ये बताइए, ये काम हम एक दिन में भी तो करा सकते थे ना, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक दिन में नहीं कराना, हमें कराना है 2 दिन में, ठीक है ना। जो ये 5 यूनिट वर्क एक दिन में कर सकते थे, अब ये 2 दिन में कराना है, एक दिन 3, एक दिन 2, तो कितना हो गया 5 यूनिट वर्क। 5 यूनिट वर्क कितने दिन में हुआ, 2 दिन में वर्क हुआ, ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस 5 का एक टेबल ऐसा पढ़ना है, एक पाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 36 से ज़्यादा नहीं कूदना चाहिए, बस कम रहना चाहिए, ठीक है। तो कम रहेगा कितना, आपका हो जाएगा 5 7 35, तो इसका मतलब इससे कम है भाई 36 से, एक बच गया आपका रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग को तो अभी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो 5 7 35 पढ़ा है ना आपने, इस 7 में 2 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके पीछे रीजन ये है कि ये 5 यूनिट वर्क था, ये एक दिन का वर्क नहीं था, ये 2 दिन का वर्क था, 2 दिन का वर्क था, तो इसका मतलब हम 7 में 2 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, कितना हो गया 14 डेज में ही आना, दिन में है तो 14 डेज हो गया, यानी कि 14 दिन में तो ये वर्क आपका कंप्लीट होगा 35 यूनिट। बचा एक यूनिट वर्क, एक यूनिट वर्क को करने कौन आएगा, जो काम को शुरू करता है वही उस बचे हुए काम को करने आता है, इस चीज को भी दिमाग में बैठा लीजिए, जो काम को स्टार्ट करेगा वही एंड करेगा, ठीक है। तो एक बचे हुए काम को करने कौन आएगा, ए आएगा, तो ये एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो एक को कितने दिन में करेगा, तो 1/3 हो जाएगा, तो 14 सही, 1/3 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ये अल्टरनेटिव डेज वाला ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पे 3 दे दिए जाए, आपको कुछ इसी तरीके से करना है, 3 वालों को भी प्लस करेंगे, कुछ ऐसा पाड़ा पड़ेंगे जो 36 से कम रहे, जो भी यहाँ पे आएगा, यानी कि जो आपका 5 यूनिट है 5 7 35 मान लीजिए तीनों का होता, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देनी थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये की राशि हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसे सिंपल इंटरेस्ट कराने वाला हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज को भी कैसे कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। एक वर्ष का 200 रुपये इंटरेस्ट लगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में यानी कि पहले वर्ष में के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये राशि हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये बताइए, फर्स्ट ईयर जो होता है, जो आपका पहला ईयर होता है, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं लगता ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है और वो बढ़ता जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 200 इंटरेस्ट मिला, ठीक है, सॉरी 200 आपको मतलब अमाउंट मिली। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 200 से 220 कब होगी, जब आपका सिम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20, इनके बीच का जो ये आपका टाइम पीरियड कितना है 1, तो यहाँ पे आपको देखिए इंटरेस्ट भी मिल गया, एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे आप रख लीजिए कि SI बराबर P(R)(T)/100, तो ये 20 रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 200 बन जाएगी। क्यों बन जाएगी 200, क्योंकि ये जो 20 निकल के आया ना, ये इस पे निकल के आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये 200 से 220 हुआ है, 200 से 220 कब होगा, क्योंकि हमारा तो मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट तो 200 चल रहा था, 200 200 200 200 चलता चला जाता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 20 बढ़ के आया ना नेक्स्ट ईयर में, ये 20 आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के आया होगा, तो इस 20 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी रही होगी, मूलधन कौन सा रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे 200 रखिए, आर आपको निकालना है, आर इंटू एक साल का ये इंटरेस्ट है आपका 20, अपॉन में 100 कर दीजिए, सिंपल सा आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे 2R हो जाएगा, 20, तो 2R से 20 को कट करेंगे तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वो कैसे, आप इसे निकाल सकते थे 20
ये निकला था आपका किस पे, 200 पे, ठीक है, इंटू करते आप 100 से, ठीक है, ये 20 जो निकला है आपका किस पे निकला, इस पे, तो ये आप करते इस तरीके से, तो ये आप कटिंग करेंगे दो, यानी कि 0 से 2, 0 से 2, 0 जाएगी, इसको कट करेंगे तब भी आपका 10% ही आएगा। कैसे भी कर लीजिए आंसर वही आना है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक समझ जाइए कि किस तरीके से आंसर आया है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक यहाँ पे डिफरेंस वाले पूछे जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। मैं तीन क्वेश्चन एक ही इस ट्रिक से कराने वाला हूँ आपको, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों एक एक बार तो पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे दिया गया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 8 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको अंतर तो दे दिया गया 8 रुपए, अगर अंतर ना दिया होता तो वो निकालने को लिए दे दिया जाता, तो आपको तब भी इस फॉर्मूले को यूज करना है। जब आपको अंतर दे दिया और आपको जो मूलधन है वह धन ज्ञात कीजिए, मूलधन निकालना है, तब भी आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आपको आर निकालना पड़ जाए तब भी इस फॉर्मूले का यूज करना है। मतलब कहने की बात यह है कि इन तीन चार चीज में से, अंतर, प्रिंसिपल और रेट, इन तीन चीज में से अगर कोई भी दो चीज आपको दे रखी है ना, तो आप तीसरी चीज इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4% का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ध्यान रखिएगा ट्रिक सिर्फ 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए मैंने आपको पहले कवर कराई है। उसमें क्या होता है आपका आर प्लस 300 अपॉन में 100, ये और इंक्लूड हो जाता है, बाकी सेम रहता है सारा, ये वाला और ये वाला और इंक्लूड हो जाता है, अगर तीन ईयर का डिफरेंस आपको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है, वही तो निकालनी है ना आपको, तो अंतर दे रखा है 8, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। रेट आपको दे रखा है 4 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है, 2 साल का है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, जो चीज़ें कट सकते हैं उसको कट करते हुए चलेंगे ताकि शॉर्ट से शॉर्ट हमारा क्वेश्चन बन जाए, मतलब कि छोटे से छोटा बन जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1/25 हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा और 25 का कितना हो जाएगा 625, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। यहाँ पे अब कर लेते हैं हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा पी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 625 गुना 8, तो पी आपका कितना हो जाएगा 8 गुना 625, तो ये आ जाएगा पी आपका 5000, यानी कि जो मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी 5000 आ जाएगी, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दी होती, रेट भी दिया होता, अंतर निकालना होता 2 साल का, तो सीधा सीधा प्रिंसिपल रखते, रेट रखते और यहाँ पे स्क्वायर कर देते तो आपका ये निकल के आ जाता, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है आपका, एक टंकी में 3 पाइप ए बी तथा सी लगे हैं, ए तथा बी इसे क्रम 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है, यदि इन पाइपों को क्रम 3 बजे 4 बजे और 5 बजे खोला जाए तो किस समय टंकी खाली होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका ए पाइप भरने वाला है 3 घंटे में, ठीक है, और बी पाइप जो है वो 4 घंटे में भरने वाला है और सी पाइप जो है वो 1 घंटे में खाली करने वाला है। अब ये चीज़ आपने देखी कि ये अकेला 1 घंटे में खाली कर दे रहा है, ये 3 घंटे भरने में लगाते हैं, 4 घंटे भरने में लगाते हैं, ये अकेला 1 घंटे में, तो इसका मतलब ये पानी जो खाली करने वाला पाइप है वो बहुत स्पीड से खाली करता है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 1-1 घंटा गैप करके एक एक पाइप को खोला है, ठीक है। तो हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे 12 आ गया, 12 यूनिट कैपेसिटी आ गई उस टैंक की, तो यहाँ से इनकी 1-1 घंटे की कैपेसिटी निकाल लेंगे, 12 को 3 से भाग करेंगे तो ए आ जाएगा, ए का यानी कि 4 यूनिट आ जाएगा, और 12 से 4 से भाग करेंगे तो बी का 3 यूनिट आ जाएगा, और 12 को 1 से भाग करेंगे तो सी का 12 यूनिट आ जाएगा, यानी कि ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, और सी है 1 घंटे में 12 यूनिट पानी निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे जो इनका एक एक मतलब टाइम वाइज खोला गया है, यदि इन पाइपों को क्रम 3 बजे यानी कि सबसे पहला पाइप 3 बजे खुलेगा, तो 4 जो ए पाइप है वो 4 बजे जो 4 यूनिट करता है वो 3 बजे खोल दिया गया, तो ये 1 घंटे 3 से 4 बजे नेक्स्ट पाइप 4 बजे खुलेगा ना, तो 3 से 4 बजे 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 4 यूनिट, तो इसने 4 यूनिट पानी भर दिया। फिर उसके बाद 4 बजे दूसरा पाइप खुलता है, तो इसका मतलब पहले वाला तो खुला हुआ ही था, फिर दूसरा भी खुल जाएगा, तो ये कितना पानी भरेंगे, 7 यूनिट पानी 1 घंटे में भरेंगे, तो 7 यूनिट इन्होंने भर लिया, ठीक है। फिर शाम के टाइम 5 बजे तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, अब तीसरा पाइप खोल दिया जाता है इसका मतलब देखिए आप एक बार कि 4 यूनिट पानी भरा जाता है, 3 यूनिट पानी भरा जाता है, अकेला 12 यूनिट निकाल देता है, तो इसका मतलब पानी भरना बंद, निकलना स्टार्ट, जितना पानी ऑलरेडी भर रखा है वो भी निकलेगा ही, भरेगा अब कुछ नहीं, क्योंकि 1 घंटे में ये 4 भरेगा 3 भरेगा और ये अकेला 12 निकाल देगा, इसका मतलब 5 यूनिट पानी निकलेगा, डलेगा कुछ नहीं। अब एक ये है आपका, मान लीजिए
ठीक है, टैंक है, इसमें एक 4 यूनिट पानी डाल रहा है, एक 5 यूनिट पानी निकाल रहा है, 4 और 3 यूनिट पानी निकाल रहा है, यानी कि 7 यूनिट पानी इस टैंक में भर रहे हैं दो पाइप, और ये एक अकेला नीचे से 12 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये 4 और 3 डालते रहो, जितना डालना है तुम्हें, मैं तो निकालता रहूँगा 12 यूनिट, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि 12 यूनिट निकालने का मतलब है कि हर घंटे में 5 यूनिट पानी निकलेगा, अगर ये दोनों चला भी रखें उसके बाद भी। तो इसका मतलब जो पानी इसमें टैंक में भरा हुआ था ना, वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना नीचे आएगा भाई, ये 5 यूनिट पानी हर एक घंटे निकालेगा, तो 11 यूनिट पानी जो इसमें भरा था, 4 यूनिट पहले इसने अकेले ने और 7 यूनिट पानी दोनों ने मिलके, 11 यूनिट पानी कितनी देर में निकलेगा, 11 को 5 से भाग कर देंगे तो 2 से 1/5 आपका हो जाएगा, और इसको 1/5 को भी हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करके 12 मिनट, यानी कि 2 घंटे 12 मिनट में ये खाली हो जाएगा। अगर समय देखा जाए कितने समय कितने बाद मिनट घंटे बाद, मतलब कि कितने बजे तक खाली हो जाएगा, तो 5 के बाद जोड़ लीजिए 2 घंटे 12 मिनट, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7:12 पे ये खाली हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एक देखे इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप से व्यास के दुगना है, यह पाइप भरी इस टंकी के साथ जुड़ा है, दोनों पाइप मिलकर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि ए जो पाइप है वो 40 मिनट में खाली करेगा, ठीक है, और एक दूसरा पाइप इससे दूना व्यास है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है ना उससे दुगनी है, तो इसका मतलब वो जल्दी खाली कर देगा। अगर ये 40 मिनट में खाली कर रहा है तो यहाँ पे ना दूना बोलते ही तो बहुत से बच्चे यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी गलती कर लेते हैं कई बार एग्जाम में, जिस टाइम पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को, डबल बोलते डबल हो जाता है वो, सोचे समझे भी नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 का आधा करना है, इसका मतलब अगर ये 40 मिनट में भर रहा है और उसका दूसरे पाइप का व्यास डबल है, तो इसका मतलब वो जल्दी खाली करेगा, तो इससे आधा टाइम लेगा खाली करने में। तो यहाँ पे 40/20 आप कर लेंगे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे क्या बोला, यह पाइप भरी भी इस टंकी के साथ जुड़ा है, दोनों पाइप मिलकर इसे टंकी को कितनी देर में खाली करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 40 को 40 से भाग करेंगे तो ए 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है, सॉरी 1 मिनट में, और 40 को 20 से भाग करेंगे तो बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी निकालता है, दोनों मिलकर 1 मिनट में 3 यूनिट पानी निकालते हैं, तो 40 यूनिट पानी निकालने में कितना समय लेंगे, 40 को 3 से भाग कर देंगे, 13/1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पे जो मेन चीज थी वो ये थी कि 40 और 20 लेना है आपको, 40 और 80 नहीं लेना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पाइप टंकी से, क्योंकि पाइप टंकी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, पहले दोनों पाइप खाली टंकी में 5 मिनट के लिए खोल दिए जाए, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाए, टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ए जो है भाई वो 12 मिनट में भर देता है, बी वो है 15 मिनट में भर देता है, सी पाइप जो है वो 6 मिनट में खाली कर देता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 60, 60 को हम 12 से भाग करेंगे तो ए पाइप जो है वो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेगा, 60 को 15 से भाग करेंगे तो बी 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, और 60 को 6 से भाग करेंगे तो सी 1 मिनट में 10 यूनिट पानी निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ भी निकालने वाले जो कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को, मतलब आपको देखनी है, इतना काम तो आप सभी कर ही लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो टाइम एंड वर्क और आपका पाइपलाइन सिस्टम चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से, और इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, परंतु एक तीसरा पाइप भी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता, पहले दोनों पाइप को खाली टंकी में 5 मिनट खोला जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 5 और 4 यानी कि 9 यूनिट पानी ये दोनों पाइप भर सकते हैं। तो शुरू में 5 मिनट खोलेगा, इसका मतलब 5 मिनट में कितना भर सकते हैं, 9 की गुना 5 में करेंगे 45 यूनिट पानी ये भर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, जो कि इसमें भरते थे ना दो पाइप तो 5 और 4, और नीचे से एक अकेले 10 निकाल रहा था, यानी कि 9 यूनिट पानी डालेंगे और नीचे से अकेले 10 यूनिट पानी निकाल देगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पानी ऊपर को नहीं बढ़ेगा, नीचे को आना स्टार्ट हो जाएगा, हर एक मिनट में 1 यूनिट पानी निकलेगा। तो ये जो 45 यूनिट पानी भरा था ना अभी तक इसमें, ये ऊपर नहीं बढ़ेगा, ये खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब 60 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, 45 से होना चाहिए, क्योंकि 45 यूनिट ही पानी उस टैंक में भर पाया था 5 मिनट में, ठीक है।
तो 45 को 1 से भाग करेंगे तो ये कितना 45 मिनट में ही ये टैंक जो है खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन वहाँ से उठा लूँगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ से आप ये जो है ना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो टेलीग्राम पे चैनल है टॉपिक स्टडी का, वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी हैं तो टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ से आपको इसकी मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके बहुत सारी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी क्या, सारी PDF जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ पे सारी PDF डाल देता हूँ, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपका अपडेट रहता है वो मैं आपको बताता रहूँगा। और आज एग्ज़ाम नहीं था तो फिर कल एग्ज़ाम होगा, कल से फिर पेपर एनालिसिस करेंगे, वो सब कुछ कंटिन्यू चलता रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मैं लाता रहूँगा, बस आप थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, जितना भी मैं आपके लिए वर्क करता हूँ अप्रिशिएट करते रहें। और जितने भी बच्चों ने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।